स्टूडेंट, कल हमने क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 5.1 कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने किए थे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, और क्वेश्चन नंबर 11 में हम सबसे पहले देखेंगे कि हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हमें 4-3i दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आप क्या करेंगे, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, हमें क्या निकालना होगा, यहाँ से जेड इनवर्स निकालना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम जेड इनवर्स से डिनोट करेंगे। जेड इनवर्स हमारा क्या होगा बेटा, 1/z होगा, और जेड की वैल्यू हमारा क्या है, 4-3i है। इसके बाद में हमने इसके कॉन्जुगेट से न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, तो 4+3i की मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो 4+3i बनेगा। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे 4-3i 4+3i, a+b a-b वाली आइडेंटिटी यहाँ पे है, तो इसको मैं a²-b² लिख सकता हूँ, और ये हमारा 25 यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद मैंने इसको अलग अलग यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं मुझे, ठीक है, या व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा कि 3+i√5 × 3-i√5 / √3+√2i − √3 − i√2, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, और वैसे भी हमें यहाँ पे पता है कि ये a+b और a-b की आइडेंटिटी यहाँ पे बन रही है, इसको हम a²-b² लिख सकते हैं। यहाँ पे बाहर माइनस है तो अंदर के मैंने साइन चेंज कर दिए हैं, तो उसके बाद जो यहाँ पे कैंसिल हो रहा था मैंने उसको कैंसिल कर दिया है। √2 में √2 को हम प्लस करेंगे तो 2√2i यहाँ से बन गया, 2 7 14 हो गया है। उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या किया है बेटा, यहाँ पे जो आई हमारा है आयोटा, हमने न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पे आई में आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो i² बनेगा, यहाँ पे 7i बन गया, और यहाँ पे -√2 बन गया, ठीक है। उसके बाद में हमने √2 से दोबारा से न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पे बेटा हमारा बन गया -7√2i/2। तो आज आप क्वेश्चन नंबर 14 तक कम्प्लीट करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे अगली वीडियो में कि हम आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, और पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।